हेलो 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 व्हाट्सएप पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं लेके पेश हूं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने चैप्टर नंबर टू क्यों नहीं किया, थोड़ा सा रुकिए। चैप्टर नंबर टू में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चैप्टर नंबर टू के वीडियोस भी आपको शॉर्टली मिल जाएंगे। हम पहले चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली चैप्टर नंबर टू को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज होगा जब तक हम चैप्टर नंबर थ्री कर लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर नंबर फोर से पहले या बाद में चैप्टर नंबर टू को कम्प्लीट कर लेंगे। ओके, टेंशन मिल जाइए, कोर्स सारा हम कवर करते चलेंगे। न्यू एनसीईआरटी का जो भी यूपीएससी सीएससी एंड एसएससी और भी गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स जिसमें आता है, यूपीपीएससी टीएनएससी सब जगह पे काम आएगा। देखिए, कुछ मुझे डाउट्स आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में से, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियोस जब डालता हूं तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशंस नहीं आते, आप उनको देख नहीं पाते, ठीक है। तो प्लीज, मैं आपसे लास्ट वीडियो भी मैंने आपको कहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में आपको सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को अगर आप जब प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव होगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब पहले लोग क्या करते थे, फूड को गैदर करते थे। गैदर करने से किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ कि लोगों ने फूड को ग्रो करना सीखा, और डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, कैसे लोगों ने पालतू जानवर को पालना सीखा, कैसे मतलब सब चीजें सीखी, आज हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम वैरायटीज ऑफ फूड, सबसे पहले जो आज हमारा इसमें टॉपिक है वो हम देखते हैं कि ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हमारा फूड जो होता है, जो भी हमारा खाने की चीज होती है, वो सारा प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही आता है, ठीक है। डिफरेंट एक चीज और मैं आपको कह रहा था कि मैं वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा पॉज दे देता हूं, इस वजह से कि जो बोर्ड पे है आप उसको एक बार नोट डाउन कर लें। वीडियो की शुरुआत में भी दे देता हूं, वीडियो के एंड में भी देता हूं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम वापस कंटिन्यू करते हैं। All our food comes from plants and animals. जो भी हमारा फूड होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से आता है, जैसे आपको पता ही है। दूसरा, different plants grow in different conditions. जितने तरह के अलग अलग प्लांट्स होते हैं वो different conditions में ग्रो करते हैं। जैसा राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। राइस है उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू वीट एंड बार्ले। अब जैसे राइस को जब फार्मर ग्रो कर रहा है तो उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू जब वो वीट और बार्ले ग्रो कर रहा है। तो एक डिफरेंट तरह के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद में डिफरेंट एनिमल्स आल्सो प्रेफर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। हर एक जानवर को अलग अलग एनवायरमेंट में रहना पसंद है। अब जैसे पोलर बियर है तो ऑब्वियस बात है जहां स्नो है बर्फ है वहां रहेगा। कैमल है तो ऑब्वियस बात है वो वहां रहेगा जहां पे सैंड्यून्स है, यहाँ पे जहां पे डेजर्ट है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, शीप एंड गोट कैन इजीली सर्वाइव देन कैटल इन हिली एरियाज, ठीक है। शीप और गोट जो है, शीप्स और गोट हिली एरियाज में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कैटल इन हिली एरियाज। कैटल जो है हिली एरियाज में सर्वाइव तो करती है पर बहुत डिफिकल्टीज और मतलब कम वहां पे सर्वाइव कर पाती है, लेकिन शीप और गोट हिली एरियाज में इजिली सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी वेराइटीज ऑफ फूड, एक जल्द हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। किस तरह से लोगों ने फार्मिंग को सीखा, किस तरह से उन्होंने खेतीबाड़ी सीखी, हर्डिंग का मतलब किस तरह से जानवरों से वो लोग फैमिलियर हुए, उनको पाला, और किस तरह से सब कुछ धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, हम इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से लोगों ने फार्मिंग सीखी वो इस वे में, क्लाइमेट वॉज चेंजिंग एंड पीपल ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। क्लाइमेट जो हो रहा है चेंज हो रहा था और पीपल ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स, लोगों ने कई तरह की सेवरल अलग अलग चीजें नोटिस करी, ठीक है। क्लाइमेट वॉज चेंजिंग, देखो क्लाइमेट अब जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा था तो लोगों को भी समझ में आने लगा, और इस तरह से उन्होंने भी कई सारी चीजें ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी हम देखते हैं। सम प्लेसेस वर देयर वेयर एडिबल प्लांट्स आर फाउंड। कुछ प्लेसेस ऐसी थी जहां पर एडिबल प्लांट्स मतलब ऐसी चीज जो एडिबल मतलब ईटेबल है, ईटेबल प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के प्लांट्स को फाउंड करा गया। दूसरा, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ। किस तरह से जो सीड होता है वो ब्रोक ऑफ मतलब टूटा, मतलब बिखरा, किस तरह से सीड बिखरा और फेल ऑन द ग्राउंड। किस तरह से जो है सीड ब्रोक ऑफ हुआ और ग्राउंड पर गिरा,
जिससे ग्राउंड पे गिरने के बाद में क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से प्लांट न्यू कम आउट फ्रॉम देम, ठीक है। किस तरह से सीड जो है वो लाइक टूटा, जर्मिनेट हुआ, और किस तरह से उसको लाइक ग्रो करने, किस तरह से वो गिरा, उस वजह से वो फिर उसमें से प्लांट निकल के आया। तो ये एक तरह का क्या है, इस तरह का मतलब ऐसा हुआ, तो इस वजह से लोगों ने फार्मिंग के मतलब सबसे पहला स्टेप फार्मिंग, इससे उनको आइडिया आया कि हम ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स को, ठीक है। दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द बर्ड्स, उन लोगों ने जो भी प्लांट्स वगैरह वो ग्रो करते थे उसको, प्लांट्स को जो पुराने हर्डर्स और फार्मर्स होते थे उनने जो है बर्ड्स और एनिमल्स से उनको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। इन दिस वे दे बिकेम फार्मर्स, इस वजह इस वे में वो लोग फार्मर्स बन गए। अब लोगों ने क्या किया कि जो प्लांट्स होते थे उनको बर्ड्स और एनिमल्स से प्रोटेक्ट किया, जैसे ही बर्ड्स और एनिमल्स से प्रोटेक्ट किया तो उसके बाद में वो फार्मर्स बन गए, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस को बार बार करने से क्या हुआ, फार्मर्स बन गए। पीपल ऑल्सो लर्न टू टेम एनिमल्स, लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से टेमिंग करी जाती है, विच वर जेंटल है ना, मतलब पालना सीखा उन लोगों को, लोगों ने उन जानवरों को पालना सीखा धीरे धीरे, जैसे शीप्स हैं, गोट हो गई, जो मतलब इसमें कहने का मतलब दोज आर जेंटल है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दोज आर जेंटल है ना, जो मतलब डोमेस्टिकेटेड करने लायक हैं, शेर भालू नहीं, शीप्स हो गई, गोट्स हो गई, डॉग्स हो गए, इस तरह के जो एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेटेड करने लायक है, मतलब जिनको पालतू बनाया जा सकता है, एग्जाम्पल शीप, गोट एक्सेट्रा। डॉग्स वर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिकेटेड, डॉग्स वर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिकेटेड, कुत्ते जो थे वो सब ऐसे पहले जानवर थे जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट हुए, जो सबसे पहले पालतू जानवर बने इंसान के। ऑल दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड स्किन, मीट, वूल, कंपेनियनशिप एंड प्रोटेक्शन, जितने भी तरह के शीप, गोट, कैटल, इस तरह के जो भी जानवर थे जो जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, वो स्किन, चमड़ी, मीट, मांस, वूल, ऊन, कंपेनियनशिप मतलब एक सेंस ऑफ लाइवलीहुडनेस एंड प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा, जो डॉग्स ने सुरक्षा प्रोवाइड करी बाहर के और भी लोगों से। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पीपल एज हर्डर्स, अब इस तरह की प्रैक्टिसेस हुई तो इस तरह से जो लोग हर्डर्स बने। तो आज इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से लोगों ने अलग अलग चेंजेस देखे जिसकी वजह से वो हर्डर्स बने, इसमें एक्सप्लेन किया किस किस वजह से वो फार्मर्स बने, इन दो में एक्सप्लेन किया क्या क्या उन्होंने देखा, सीड जर्मिनेट हो रहा है, सीड बिखर रहा है, प्लांट आ रहा है, इस वजह से उन्हें फार्मर्स बनने का आइडिया आया, इस तरह से फार्मर्स बने और हर्डर्स बने, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम यही है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब गैदर करने से लेकर ग्रो करने तक की पूरी हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट वीडियो था, आपने देखा लेक्चर नंबर 1। ऐसे करते करते अभी हमारे 2-3 लेक्चर और आएंगे और फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। गाइस मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा ये इनिशिएटिव है गाइस कि जो वीडियो मैं आपके लिए ये बनाता हूं उसको आप ज्यादातर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, जिससे जो भी यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसमें भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स का पोर्शन आता है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और उनको मदद आ सके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मैं आपको थोड़ा सा इसमें अभी यहां पर भी समय दे रहा हूं, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अगर आपने इनिशियली में नहीं लिखा था तो। थैंक यू।